हेलो डियर फ्रेंड, जैसे कि 26 जुलाई को प्रस्तावित था एसएससी सिस्टम 2024 का नोटिफिकेशन आना, तो ये आ चुका है। और आप सबसे पहले, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो आप नोटिस को जो जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन है बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखें कि 17 अगस्त लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस डेट के लिए आप लोग मन बैठे रहें, और ऑनलाइन जो भी पेमेंट वगैरह है उसकी भी 17 अगस्त लास्ट डेट है, ऑनलाइन फी पेमेंट, ठीक है। रिसिप्ट और फी पेमेंट के लिए ये लास्ट डेट है। अब दूसरी बात है, करेक्शन के लिए 27 अगस्त और 28 अगस्त को विंडो खुलेगी। तो ये चीज़ें हमारे काम की हैं, और अक्टूबर नवंबर को एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इसके बाद भी हो। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वैकेंसी की बात की जा रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है वैकेंसी, ठीक है। टेंटेटिव वैकेंसी हैं, बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, पर थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो अप्रोक्स 2006 वैकेंसी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी ओपन की हैं। हाउ एवर, फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड ड्यू कोर्स। अपडेटेड वैकेंसी इफ एनी अलॉन्ग विद पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन, ठीक है। इस वेबसाइट पर सारे आ जाएगा कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है। कैंडिडेट में नोट दैट स्टेट वाइज जोन वैकेंसी आर नॉट कलेक्टेड बाई द कमीशन, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन की बात हो गई, ठीक है। तो जो किसी तरीके से डिफरेंटली एबल्ड हैं जो एस्पिरेंट्स, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ग्रेड सी के लिए इनमें से अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप अलाउड हैं, ठीक है। और डी के लिए ये सारे डिसेबिलिटी अलाउड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये एब्रिविएशन है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। आने से पहले हम 3.5 पे भी थोड़ा गौर करेंगे। तो ये जो पैरा है, ठीक है, वो उनके लिए है जो बीआरओ में सिलेक्टेड होंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की चॉइस होती है, उनको कुछ और नहीं मिला तो बीआरओ मिल जाता है। तो उसके लिए जो क्राइटेरिया है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी स्टैनो जो डिपार्टमेंट में सिलेक्ट होते हैं। तो पढ़ते हैं इसको। द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आर एनेक्स्ड एट एनेक्सर एक्स वी, ठीक है। कंट्रीज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन बी आर ओ मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे फुलफिल एफोर्सेड स्टैंडर्ड। आपकी हाइट वगैरह, ठीक है, और रनिंग वगैरह, सारा कुछ करवाया जाएगा इन केस ऑफ यू आर सिलेक्टेड इन दिस, ठीक है। चलिए, अब इट इज़ रीट्रेटेड दैट द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन शुड कॉशियसली गो थ्रू द फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाई बी आर ओ। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन शैल नॉट मेक री एलोकेशन फॉर दोज कैंडिडेट whose candidature is cancelled on the ground of non-fulfillment of physical and medical standard। तो ये जब आप भरें तो ध्यान से भरें, ये नहीं शॉक शॉक में हमने बीआरओ भर दिया, ठीक है, क्योंकि इसका मेडिकल प्रॉपर होता है। दूसरी बात है, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेडी इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो फीमेल तो भरे ना इसको। चलिए, अब ये नेशनलिटी हम छोड़ देते हैं। उनके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि एज लिमिट क्या रहेगी, है ना। तो 1 अगस्त 2024 को उनकी एज लिमिट कितनी होगी। द क्रूशल डेट फॉर डे एज रिकॉग्निंग इज फिक्स्ड एज 1 अगस्त 2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डीओपीटी। तो मतलब 1 अगस्त 2024 तक उनकी कितनी एज हो जानी चाहिए। चलिए, ये लिखा है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल तक का, ठीक है, रहता है। तो 1 अगस्त 2024 तक आप इससे ज़्यादा ना हों और इससे कम ना हों, ठीक है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रेड सी के लिए 1 अगस्त 2024 तक आपकी ना तो एज 18 से कम होनी चाहिए ना 30 से ज़्यादा, मतलब आई, यानी कि फॉर एग्जांपल कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2006 के बाद है वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या जिनकी एज 2 अगस्त 1994 से पहले वो भी नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अब डी के लिए देखते हैं, ध्यान रखिएगा, डी के लिए देखते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 18-27 साल होती है, ठीक है। तो 1 अगस्त 2024 मतलब अगर आप 2 अगस्त 1997 के पहले जन्मे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर आप 1 अगस्त 2006 के बाद जन्मे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट है, ध्यान दीजिए 6.4 में। सॉरी,
क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ एससी एसटी ओबीसी डब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी ईएसएम स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, जैसे कि फी कंसेशन है आपका, रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है, ETC वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट। तो क्रूशियल डेट इन सभी डॉक्यूमेंट्स की क्या होनी चाहिए, 17 अगस्त 2024, विच इज़ क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2024 है, उसके बाद का वही आपकी क्रूशियल डेट मानी जाएगी। ठीक है, क्रूशियल डेट आप समझ रहे हैं, मतलब अगर कोई आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है, तो वो कब तक के लिए मान होगा, तो 17 अगस्त 2024 तक अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है, अगर 17 अगस्त 2024 तक भी उसकी डेट है तो वो मान होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ये जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, ये चीज़ ध्यान रखें कि जो ओबीसी के अंतर्गत रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो इंश्योर करें कि क्रीमी लेयर में ना हो क्रूशियल डेट तक। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका 13 अगस्त तक मान्य था वो सर्टिफिकेट, और हालांकि आप अभी ओबीसी में ही हैं लेकिन आप क्रीमी लेयर में आ गए, तो जो भी हो इसके बाद ही हो, आप लोग सर्टिफिकेट बनवाते तो टाइम थोड़ा ध्यान रखें। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है EWS के लिए, वो क्या है, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू EWS मस्ट एंश्योर दैट ही शी पजेसेस द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ध्यान रखिएगा 2024-25 का ये नोटिफिकेशन है, 2024 चल रहा है तो 2024-25, ठीक है, वैलिड फॉर, तो जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा वो इस ईयर के लिए वैलिड होगा, लेकिन किस बिहाफ पे वो इशू किया गया है, किस ग्राउंड पे वो इशू किया गया है, यो EWS सर्टिफिकेट इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इन अकॉर्डेंस विद द, ये छोड़िए इसका मतलब देखिए क्या होता है, सपोज दैट यू आर क्लेमिंग दैट यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी फॉर द ईयर 2024-25, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ना, नोटिफिकेशन इज़ फॉर 24-25, 24-25, सो हाउ विल इट बी क्लियर दैट वेदर यू बिलोंग टू EWS, वेदर योर एसेट्स और द फाइनेंशियल स्टेटस है जो वो EWS के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो ये डिसाइड किया जाता है 1 साल पहले का। अब इस साल का कैसे हो सकता है, तो फाइनेंशियल ईयर यानी कि जो आपका वित्त वर्ष काउंट किया जाएगा वो 23-24, तो ये दो जो ईयर हैं वो अपने सर्टिफिकेट में अच्छे से मैंशन होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर यहाँ पे 24-25 लिख दिया या फिर यहाँ 23-24, तो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए एक और चीज़, कैंडिडेट में आल्सो नोट दैट देयर कैंडिडेचर विल रिमेन प्रोविजनल, प्रोविजनल मतलब परमानेंट नहीं है, अंटिल द वेरासिटी ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट, चाहे वो एजुकेशनल हो, कास्ट कैटेगरी जो भी हो, जब तक कि वो एकदम सेटिस्फाइड ना हो जाए, ठीक है। और अगर कुछ भी गलत हो, फ्रॉडुलेंटली क्लेम, कुछ भी गलत आपने इस इनमें से कुछ दिखाया, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। ये सब स्क्राइब के लिए है। फिर यहाँ पे लिखा है वन आइड कैंडिडेट, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक आंख से दिखता है, एक डिस्टर्ब होती है, या पार्शली ब्लाइंड है ना, who are able to read the normal question paper set with or without magnifying glass and who wish to write indicate the answer with the help of magnifying glass, अगर आपको lenses की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप लेके जा सकते हैं अपना खुद का magnifying glass लेके। अब यहाँ पे education qualification की बात की जा रही, तो वही देखिए, candidate must have passed 12th standard or equivalent exam from कट ऑफ डेट, ठीक है, 17 अगस्त 2024 तक आप पास हो जाने चाहिए, ये नहीं कि आप इस साल 12th में थे और अभी तक आपका रिजल्ट आया ही नहीं है, मार्कशीट ना ही चलेगा लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। कुछ भी गलती होती है, आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलत भर गया है, ठीक है, अगर आप बाहर से भरवाएं तो कोशिश करें वहां बैठ के भरवाएं अपने सामने,
और दूसरी बात प्रिंट ज़रूर ले लें, क्योंकि प्रिंट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या गलत हो गया है। तो 27 अगस्त से लेकर 28 अगस्त आपको टाइम मिलेगा करेक्शन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अ कैंडिडेट विल बी अलाउड टू करेक्ट एंड रीसबमिट हिज मॉडिफाइड या करेक्टेड एप्लीकेशन टू टाइम्स ड्यूरिंग द विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इफ ही हैज़ मेड मिस्टेक इन हिज अपडेटेड एप्लीकेशन ऑल्सो। मतलब आपने एक बार अपडेट किया, आपको लगा यहाँ गलती है, आपने अपडेट कर दिया, फिर आपको लगता है एक और गलती है। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव अपडेटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म बट स्टिल यू हैव मेड अनदर मिस्टेक और यू हैव नॉट करेक्टेड एनी अदर मिस्टेक, देन यू कैन ऑल्सो करेक्टेड ट्वाइस, ठीक है, दोबारा भी आप करेक्ट कर सकते हैं। बट नो मोर करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अलाउड अंडर एनी सरकमस्टांसिस। लेकिन ओनली जो करेक्शन टाइम है वो है टू टाइम, यू कैन करेक्ट योर एप्लीकेशन एंड रिसबमिट ओनली ट्वाइस। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ओनली दोज कैंडिडेट विल बी अलाउड टू मेक करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म हुज कम्प्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फी हैव बीन रिसीव्ड बाय द कमीशन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। इफ़ यू हैड नॉट सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर्म और नॉट फुली फिल्ड इट, नॉट पेड द रिक्वेस्टेड फी, यू आर नॉट एलिजिबल टू करेक्ट इट, क्योंकि आपका फुल्ली वो सबमिटेड फॉर्म माना ही नहीं जाएगा। द कमीशन विल लेवी अ यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज और पेबल 200 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज 200 टू करेक्ट एनी थिंग इन योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस, एंड इफ यू करेक्ट इट ट्वाइस और द सेकेंड टाइम तो यू हैव टू पे 500। द करेक्शन चार्जेस विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर कैटेगरी, ठीक है। चलिए, स्कीम आपकी सेम है, ठीक है, द स्कीम इज सेम फॉर द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 50, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रिहेंशन 100 क्वेश्चन ऑफ 100 मार्क्स। 2 hours इज द टाइम ड्यूरेशन एंड द कैंडिडेट हु आर डिस्क्राइब दे विल बी प्रोवाइडेड 40 मोर मिनट्स, ओके। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस ओनली, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। और नेगेटिव मार्किंग का भी, जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ना, जिनका पहला ये एग्ज़ाम होगा स्टेनो का, तो वो ये भी याद रखें कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश एंड हिंदी, इट मीन्स द क्वेश्चन ऑफ GS एंड द रीजनिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द बोथ लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। यू कैन चूज जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द रिटन टेस्ट, यू हैव टू चूज इंग्लिश और हिंदी एज द मोड ऑफ पेपर। बट आफ्टर एंटरिंग द एग्ज़ाम, सपोज दैट देर इज क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू साइंस, सपोज दैट एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दिस इन हिंदी, सो यू कैन जस्ट चेंज द लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इंग्लिश, ठीक है। सो ईच क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट कीप इन माइंड दैट इफ यू हैव चूजन इंग्लिश, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट डजेंट मीन दैट हु विल चूज हिंदी एज द मोड ऑफ देयर मीडियम ऑफ देयर एग्जामिनेशन। अगर किसी ने हिंदी चूज की, इफ यू हैव चूज इन हिंदी, इट मीन्स दैट द क्वेश्चंस ऑफ GS एंड द रीजनिंग विल बी प्रोवाइडेड इन हिंदी। बट डोंट एवर थिंक दैट द 100 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश विल बी नाउ इन हिंदी, ठीक है। तो जो 100 मार्क्स की आपकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही रहेगी, कोई ऐसा ना सोचे कि अगर वो हिंदी भर देंगे, ठीक है, तो उनको वो 100 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा ये जो है ना, तो उसमें हिंदी आएगी नहीं, उसमें इंग्लिश ही आएगी और वो इंग्लिश में ही रहेंगे। तो ये जो हिंदी इंग्लिश वाला फंडा है ना, हिंदी और इंग्लिश, तो वो द मोड ऑफ हिंदी और इंग्लिश विल बी प्रोवाइडेड इन बोथ ओनली फॉर दीज टू एग्जाम्स, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस और द जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि अगर उन्होंने फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश भर दी, ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है, तो क्या हिंदी या इंग्लिश कुछ भी दे सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि आपका जो
शॉर्ट हैंड है वो आप पहले सोच के रखें ना आप किस में देंगे, हिंदी या इंग्लिश में। तो अगर आपने शॉर्ट हैंड इंग्लिश में भरी, ठीक है, तो आप शॉर्ट हैंड का जो मोड है स्टेनोग्राफी जो है वो हिंदी में भरेंगे तो आपको स्किल टेस्ट हिंदी में देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश भरेंगे तो वो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आप चाहे हिंदी भरें या इंग्लिश, आपको क्वेश्चन जो है ना ये दोनों दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स। इट मीन्स इफ यू हैव अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चन रॉन्ग, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिए, देन 1 राइट क्वेश्चन का जो 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि 4 × 0.25, व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड 4 क्वेश्चन रॉन्गली देन योर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। द कैंडिडेट हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर इन स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी एज ऑप्टेड बाई द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो जब आप अप्लीकेशन फॉर्म भरें, वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म कीप इन माइंड वेदर यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश शॉर्ट हैंड ग्राफ शॉर्ट हैंड और द हिंदी शॉर्ट हैंड अकॉर्डिंग टू योर chosen option or the opted option. So after clearing CBT exam you have to attempt skill test, ठीक है। तो skill test में अगर आपने form भरते time English choose किया तो English shorthand वाला आपका skill test होगा, ठीक है। वहाँ आप नहीं कह सकते नहीं नहीं मुझे हिंदी shorthand का test देना, ऐसा नहीं होगा। इसलिए form भरते time में आपको याद रखना पड़ेगा। So choose wisely while filling the form whether you want to learn English shorthand or the Hindi, ठीक है। सो द कैन 10 मिनट का डिक्टेशन होगा एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड 80 वर्ड पर मिनट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन कंप्यूटर द ट्रांसक्रिप्शन टाइम, ओके। सो द डिक्टेशन टाइम इज 10 मिनट फॉर बोथ ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ठीक है। बट द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज डिफरेंट। पोस्ट स्टेनोग्राफर ग्रेड डी लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट और द कैंडिडेट हु हैव स्क्राइब दे विल बी प्रोवाइडेड 70 मिनट, ओके। नाउ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी 65 मिनट टू ट्रांसक्राइब मैटर ऑफ 800 वर्ड्स एंड द पर्सन विद स्क्राइब 90 मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश टू ट्रांसलेट द मैटर ऑफ 800 वर्ड्स दे विल बी प्रोवाइडेड 1000 वर्ड दे विल बी प्रोवाइडेड 40 मिनट एंड टू ट्रांसलेट द मैटर ऑफ 1000 वर्ड एस एस सी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश के लिए जो टाइपिंग टाइम मिलेगा वो मिलेगा 40 मिनट मिलेगा, ठीक है, टू टाइप द मैटर ऑफ 1000 वर्ड्स इन इंग्लिश, ठीक है, याद रखिएगा। सो इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर एस एस सी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी and you have to attempt the skill test then your typing speed should also be best, not only in case of C4D also, so that you can type your matter very soon or the before the end of time and you can also recheck your transcribed matter and make the acquired correction, okay, that's why your speed must be good for typing also. सो एंड फॉर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी यू विल बी प्रोवाइड 55 मिनट। सो हिंदी के लिए डी के लिए 65, सी के लिए 55, ठीक है, इंग्लिश डी 50 मिनट एंड इंग्लिश फॉर सी 40 मिनट, ठीक है। एंड दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम गिवन पर्सन विद स्क्राइब, ठीक है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच मेक यू कन्फ्यूज्ड, कैंडिडेट हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा। मतलब इफ़ यू हैव क्वालिफाइड एंड आर सेलेक्टेड एज स्टेनोग्राफर एंड यू हैव टू स्टेनोग्राफी इन हिंदी यू हैव टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड हु आर सेलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट दे विल हैव टू लर्न हिंदी, ठीक है, आफ्टर अपॉइंटमेंट। सो हाउ एवर दिस इज कंपल्सरी बट नॉट इन ऑल द स्टेट and just because of this point you should not stop yourself learning english or hindi shorthand.
इन विच लैंग्वेज यू आर बेस्ट यू मस्ट लर्न द सेम इफ यू थिंक दैट यू कैन correlate or understand the English matter, you should learn English shorthand. And if you think that you are good at Hindi in comparison to English, then better to learn Hindi shorthand. ठीक है, and this thing is after the job, so just get the job and you will learn, ठीक है, whatever is required by the department. The skill test will be held at commissioned regional offices. ठीक है, and here the minimum qualifying marks in computer based examination is follows. So for unreserved you have to score 30% of what, 200 marks, and for OBC and EWS 25%, and all other category 20%. And the other important thing, in the online application form, candidate will have to indicate the post for which they are applying, स्टेनोग्राफर और ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी और बोथ. मान लीजिए आपकी ये ज़्यादा हो गई है, आप डी का नहीं भर सकते, तो आपको केवल ये वाला चूज़ करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपकी एज है तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, आई वुड सजेस्ट टू चूज़ बोथ इफ़ यू हैव द रिक्वायर्ड एज. इफ़ यू आर बिटवीन 18 to 27 यू कैन अप्लाई फॉर बोथ डी एंड सी. बट इफ़ यू आर मोर देन 27 ईयर एज ऑफ एज, यू कैन अप्लाई फॉर ओनली स्टेनोग्राफर ग्रेड सी. So in case you are below 30, apply 30, and about 27 you can apply only for grade C. So better if you have age not more than 27 years, so better to apply for the both, hai na?